नीतियां हैं, जन जागरण के माध्यम से एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग उसी 9 अगस्त को निकले थे जो 9 अगस्त 1942 को आदरणीय महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो का उद्घोष करते हुए उन्होंने इस देश के लोगों को कहा था कि आप खड़े हो जाओ और अंग्रेजों को यहाँ से हमको भगा देना है। उसी तारीख को क्रांति दिवस माना गया और क्रांति दिवस की तारीख से ही ये यात्रा इलाहाबाद से निकल करके आज 15 जिला पूरा करके कुशीनगर में रामकोला की ऐतिहासिक विधानसभा में पहुंची है। हम रामकोला विधानसभा का नाम अपने पूज्य नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के मुंह से कई बार सुने उनके भाषणों में। जो किसान आंदोलन और जितना ऐतिहासिक आंदोलन रामकोला में हुआ था उसको लोग आज भी याद करते हैं। और ये क्रांतिकारी धारा है, ये मेहनतकश लोगों की जगह है, ये सत्ता परिवर्तन करने वाले लोगों की जगह है। यहाँ से जो आवाज उठती है वो बहुत दूर तक जाती है। इसलिए हम सभी रामकोला के वासियों को बहुत धन्यवाद देते हैं और हम खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जहाँ के आंदोलन को कभी नेताजी ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, उस जगह पर हम लोग पहुँच करके इस धारा को हम लोग अपना क्रांतिकारी सलाम करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि किस उद्देश्य से ये साइकिल यात्रा निकाली गई है, क्यों हम सारे 60-70 लोग मिलकर के पूरे देश में, पूरे प्रदेश की सभी जिलों की सभी विधानसभाओं में जा रहे हैं, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, कोई रास्ता अब नहीं बचा है जो आपके हितों की बात कर रहा हो, आपकी तरफदारी कर रहा हो, जो इस देश के गरीबों की, किसानों की, नौजवानों की, माताओं बहनों की, महिलाओं की, इस देश के नौजवानों और छात्रों की आवाज रख सके। ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई दल नहीं बचा है जो आपकी बात करता हो। सभी पर भारतीय जनता पार्टी ने नियंत्रण स्थापित कर लिया है, खासतौर से इस देश के संवैधानिक संस्थाएं, इस देश की जो हमारी स्वतंत्र संस्थाएं हैं और इस देश की हमारी स्वायत्त संस्थाएं हैं, इनका कोई वजूद नहीं रह गया है। सब पर भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण स्थापित हो चुका है। क्या चुनाव आयोग, क्या ईडी, क्या इनकम टैक्स, क्या सीबीआई, ये सब अपनी जिम्मेदारी न निभा करके बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को दिन रात लागू करने में लगे हुए हैं। केवल विपक्ष के लोगों पर कार्रवाई होती है, छापा केवल विपक्ष के लोगों पर पड़ता है, बुलडोजर से घर केवल विपक्ष के लोगों का गिरता है। इसलिए इस अन्याय के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। सरकार जिस तरह से, अरे गाड़ी बचाइए भाई, नौजवान बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाई करके, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करके अपनी डिग्रियों को लेकर के सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। नौकरियां खत्म की जा रही हैं, देश में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी है, पद खाली पड़े हैं। सरकार चाहे तो 1 विज्ञापन निकाल करके नौकरियों में भर सकती है लोगों को, 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता में नौजवान है ही नहीं है। सरकार नौकरियों से लोगों को जबरन रिटायर कर रही है, सरकार सरकारी पद खत्म कर रही है, सरकार 1 व्यक्ति से 3-3 लोगों के काम करा रही है। इसलिए हम लोग आपके बीच आए हैं कि बेरोजगारी का आलम यह है और सरकार, भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार बेरोजगारी पे जरा सा भी गंभीर नहीं है। ये संविदा पे भर्ती करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी रखेंगे, ठेका पे लोगों को नौकरी रखेंगे, आउटसोर्सिंग के जरिए कराएंगे, कमीशनबाजी कराएंगे, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं रखेंगे। लेटरल एंट्री के जरिए लोगों को बिना आरक्षण के आईएएस बनाएंगे, जहां पर एक आईएएस अपनी सालों की नौकरी के बाद पहुंचता है वहां डायरेक्ट पहुंचाएंगे 250 लोगों को हर साल, लेकिन कतई ये सरकारी नौकरी नहीं देंगे। इसलिए क्योंकि सरकारी नौकरी पाकर के दलित और पिछड़े समाज का नौजवान समाज की मुख्य धारा में आ जा सकता है, आरक्षण का लाभ लेकर के समाज में स्थापित हो सकता है, इसलिए ये सारा इंतजाम किया जा रहा है। खत्म किया जा रहा है रोजगार, खत्म किए जा रहे हैं वो सारे रास्ते, बंद किए जा रहे हैं जहां से खास तौर पर दलित पिछड़ा हमारा समाज जो मुसलमान है उस समाज की मुख्य धारा में आ जाए, वो सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। एक एक करके सभी संस्थान बेचे जा रहे हैं,
बचाने वाले लोग हैं, रामकुला के लोग। तय आपको करना है कि आप देश बेचने वालों के साथ खड़े हैं, देश को बचाने वालों के साथ खड़े हैं। आपका रेलवे बिक रहा है, आपका एयर इंडिया बिक रहा है, आपका BSNL, MTNL, LIC, आपका खनिज संपदाएं, कोयले की खदानें, बैंक, मंडियां, हमारा बंदरगाह, ये सब बेचे जा रहे हैं। हमारी नवरत्न कंपनियां, हमारे जो सरकारी उपक्रम थे जहां से नौकरी और रोजगार के अवसर मिलते थे, वो सब ये मोदी सरकार बेच रही है। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कोई चीज नहीं छोड़ा जा रहा है। अभी 9 अक्टूबर को IDBI बैंक पर भी कोई फैसला होने जा रहा है। सरकार की इच्छा है कि इस देश में एक भी सरकारी बैंक नहीं रहने देंगे। ये SBI भी बिकेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक के कर्मचारी जो कभी मोदी सरकार को वोट दिए थे, अपने बैंक के सामने आज धरने पर बैठ करके सरकार से अपने नौकरी की और अपने सम्मान की भीख मांग रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। एक एक करके सबका नंबर आएगा, किसी को नहीं छोड़ेगी ये सरकार। सब कुछ तहस नहस करने पर उतारू है और जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, उस विचारधारा की वजह से, दक्षिणपंथी विचारधारा की वजह से इस देश का संविधान खतरे में आ गया है। इस देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में आ गई है। जो ये बार बार बोलते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, इनकी मंशा है वन नेशन वन इलेक्शन और वन पार्टी सिस्टम लागू करने की। कौन उठाएगा फिर कमजोरों की आवाज? कौन उठाएगा किसानों की बात? कौन करेगा व्यापारियों, नौजवानों और छात्रों की बात अगर एक पार्टी सिस्टम इस देश में लागू हो गया तो? इसलिए इस कठिन दौर में आपके पास आए हम लोग। कठिन दौर है, बहुत ही नाजुक दौर है। जब आपका आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, बेरोजगारी को बेतहाशा बढ़ा दिया गया, महंगाई चरम पर है, तो उस समय हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? ये देश हमारा आपका सबका है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर के इस देश को बचाएं और इस तरह से हमको बचाना है 2024 में के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हमको ऐसे हराना है कि दोबारा ये बेईमान लोग, ये सांप्रदायिक लोग कभी सत्ता में वापस ना आए।